अलग टाइप की समस्या हमें आ चुकी है। एक्चुअल में मेरा हाथ जो है सनबर्न हुआ है। बेलगांव जाने वाले रोड पे अभी लेफ्ट लिया है मैंने यहाँ के। ये अलग ही है कुछ तो चीज़, ये मैंने यहाँ देखी है। नाम क्या बताया? नाम नवी था। नवी और यहाँ से ही आप? ओके टैंक। पानी हे और एक हे, हाँ। हे, हे। रिसोर्ट छोड़ने के बाद एक 2 किलोमीटर पे आके ब्लॉक बना रहे हैं। ये मैं जा रहा हूँ बीजापुर के लिए। इस बीच में जो जो भी अट्रैक्शन मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट से बनेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हम्पी को बाय बाय करने का हमारा टाइम आ चुका है। ये लास्ट फुटेज आपको हम्पी से मैं दिखा पा रहा हूँ। मेरे को अभी हेलमेट निकालना है मेरा। ये बियर का क्यों लगाया पता नहीं, ऐसे क्रॉसिंग होते क्या पता नहीं। अभी मेरे को हेलमेट भी निकालना है मेरा, क्योंकि वो सेफ्टी कंसर्न के वजह से और पुलिस को गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं मेरा हेलमेट निकालने के लिए भी एक्चुअल में रुका था, मैं भूल गया था। इसके पूरे पे तो आप देख पा रहे होंगे पे राइट मोड़ देना है। आप मेरे साइड में देख रहे होंगे, ये है नेशनल हाईवे 50 जो जाएगा बीजापुर के लिए। बीजापुर के लिए कितना सुन रहे हैं आपको पता नहीं लेकिन मेरे पीछे आप देख रहे हैं हाईवे का थोड़ा सा हाईवे 50। रिजर्व लग चुका है जो पेट्रोल का जो है, हमें अभी जो हमारा टैंक है 5 नंबर का हम टैंक भर रहे हैं। ये हमारे GPS को ऐसे ऑन ऑफ किया जाता है। अभी दूरी बचा है 130 किलोमीटर बीजापुर का, और उम्मीद है कि हम 3:20 पे पहुंच जाएंगे। आप मेरे पीछे विंड पावर जो एनर्जी का ये आता है, पवन चक्की आता है। इस रोड पे ऐसी 100 से भी ज़्यादा लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने तो कम से कम 20-30 से भी ज़्यादा गिनी थी, यानी कि ये एरिया जो है शायद कोई मेगा प्रोजेक्ट होने के कारण यहाँ 100 से भी ज़्यादा विंड पावर की
जो सुजलॉन कंपनी है वहाँ की लगी हुई है और उसका एक एक ब्लेड 100 मीटर से भी ज़्यादा होता है। जैसे मैं यहाँ आया था, यहाँ एक जो फोर व्हीलर में आए थे वो नाश्ता कर रहे थे। मैंने भी एकदम लाइट नाश्ता मंगाया है, एक्चुअल में लंच टाइमिंग है, लेकिन ये जो दो चार लोग एक लेडीज़ के साथ थे वो कुछ भूल गए थे यहाँ टेबल पे, जो आप वो काउंटर पे देख रहे हैं, काउंटर पे प्लास्टिक टिश्यू में जो हैंड वॉश के लिए जो पेपर आता है वो भूल गए थे। तो जो मालिक है उन्होंने उनको जाते वक्त बताया नहीं, और वो जाने के बाद मैं देख रहा था उनके पास जाने के बाद एक वेटर को बुला के वो मंगा लिए कि उसको लगा कि उसमें कुछ तो है, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। यानी कि होटल मालिकों का जो बिहेवियर मैंने देखा एकदम घटिया है। अगर आप कुछ चीज़ अगर होटल में बोलते हैं तो मिलने के 100% चांस नहीं है, इसलिए बी केयर एट एनी होटल। ये आप जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं आलमट्टी का डैम, आलमट्टी डैम जिससे हमारे पास के 200 किलोमीटर पास के कोल्हापुर में बाढ़ आ जाती है, आपको मैं दिखाऊंगा। ये है वो डैम, थोड़ा सा जूम करके है वो डैम। जो महाराष्ट्र में जो सांगली कोल्हापुर इसमें जो बाढ़ आती है वो इसी डैम के कारण आती है, जो कर्नाटका के बीजापुर के साइड में है आलमट्टी डैम। जो डैम से आने वाला पानी ये भी देख सकते हैं। ये है हाईवे 15 स्टेट हाईवे 50 है उसका। हमारा भी रास्ता जो है सिर्फ 10 मिनट का बचा है और 10 मिनट के बाद हम होंगे डेस्टिनेशन पे, जो है बीजापुर। एक मंदिर है वहाँ, मेरे को रिलेटिव से मेरे मिलना है। तो यहाँ तक तो मैं एकदम सेफ तरीके से आ गया हूँ, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा गर्म होने के कारण अभी एक दो घंटे से मैं ज़्यादा रुक रहा हूँ, क्योंकि वो रबरी बेल्ट होता है वो टूटने के चांसेस है, और ये मेरा हैंड बर्न भी हुआ है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूँ। अभी भी बहुत सारा दिन है, इसलिए मेरे को आज तो सेफ महसूस हुआ। 225 किलोमीटर में आया हूँ, जो मैं हम्पी से निकला था सुबह 10:30 बजे, रुक के खाना खा के सब सारा करके मैं यहाँ तक पहुँचा, और देखता हूँ आगे का अपडेट क्या होता है। अगर आगे मैं शूटिंग नहीं कर पाया, ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर ये हमने अभी जो 50 नंबर का जो स्टेट हाईवे था वहाँ से ये कौन सा पड़ेगा 55, ये बेलगांव जाने वाले रोड पे अभी लेफ्ट लिया है मैंने, यहाँ के भाई से सफरचंद खरीदे हैं। और ये क्या है दिखाएंगे हम थोड़ा सा, आलू टाइप का आलू मटर,
आलू मटर बोलते हो? हमारे महाराष्ट्र में बोलते हो? नहीं, आलू बोलते हो, बटाटा रहते अलग से, ये अलग ही है कुछ तो चीज। ये मैंने यहाँ खाते है या भाजी बना दे? नहीं, खाते खाने के लिए। ये तो मालूम है ड्रैगन फ्रूट, ये सारा रहते हैं टोटली, बाकी तो कुछ नहीं होता। आपका ये क्या बताया, नाम क्या बताया? नाम नवीद। नवीद नवीद। और यहाँ से ही आप? हाँ यहाँ। ओके, थैंक यू। मुझे जहाँ आना था बीजापुर में, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसके बाजू में मेरे रिलेटिव का होम है, और इस डेस्टिनेशन पे मैं आ चुका हूँ। आने में जितना भी आपको अपडेट करना पड़ा, उतना अपडेट मैंने आपको किया। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ये मैं रात को मेरे रिलेटिव के यहाँ आया था, एक्चुअल में ऑन द वे, जो है बीजापुर में, ये उनका घर है पूरा। एक्चुअल में मैं यहाँ बहुत दिन से आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया था। तो उनका जो घर जिस लोकेशन में बीजापुर में है, इस लोकेशन में, उस लोकेशन में एक जैसे क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे, जो आदिल शाही के ज़माने से है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो जो है एक्चुअल में हीरे जवाहरात का जो मार्केट होता था पहले, ये जो जगह हम जहाँ मेरे पीछे जो देख रहे, पूरा बिल्डिंग बिल्डिंग जो देख रहे, वहाँ कहीं भी खुदाई की परमिशन नहीं है। अगर आप खोदते हैं तो लगेज गवर्नमेंट ऑफिसर आपको बैन कर देंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है हर वक्त। और मेरे पीछे जो आप देख रही है, जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये इमारत है जब आदिलशाही के ज़माने से वहाँ एक हीरो का व्यापार चलता था, हीरे जवाहरात वगैरह जो है। अभी तो यहाँ शायद दफन भूमि बनी हुई है, लेकिन ये है पूरा नज़ारा आपके लिए, एकदम हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ बहुत सारी जो मस्जिदें बनी हुई है, मैंने रोड पे जितनी भी देखी थी, बहुत सारी मस्जिद का एरिया है। यहाँ चलता था व्यापार राजा महाराजों के टाइम में। हमने अभी बीजापुर छोड़े हुए कम से कम 10 मिनट हुए हैं। एक्चुअल में गांव में ज़्यादा डस्ट होने के कारण मैं मेरा GX7 Mark II नहीं निकाल पाया, क्योंकि उसके लेंस में ये जाती है जो आदिलशाही के ज़माने का वो सिटी है, वहाँ गोल गुम्मत करके देखने को एक जगह है, वो बहुत फेमस है। और दूसरा, महाराष्ट्रीयन लोगों को ये जानना चाहिए कि अफजल खान भी इस जगह से, अफजल खान का भी यहाँ से ही यानी रूलिंग किया था बीजापुर पे। ये अपडेट देने के लिए मैंने कैमरा चालू किया था अपना, और मैंने सिटी को रात में एक्सप्लोर किया, लेकिन मैं कैमरा निकाल दूँ कोई डस्ट होने के कारण मैंने ब्लॉक करना चाहा। तो सिटी में देखने लायक एक दो चार जगह है, कुछ अगर आप बांधना चाहते हैं या अधिकारी आपके यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ मिलता ही रहता है हर दिन हर दफा। और यहाँ से
मेरे को जैसे अपडेट मेरे को लगेगा ये अपडेट देने में आपको उचित है, उस समय मैं आपको अपडेट दूंगा। हमें उमदी गांव में अभी आके जो चाय लिया था, अपने यहाँ का चाय करने का ढंग है एकदम अलग होता है, और यहाँ का जो चाय करने का जो तरीका है वो इस टाइप से है, वो डायरेक्ट सोलापुर का टाइप है। दूध लेते हैं यहाँ से, मलई चाय, और एक बनो मेरे को दिखाने के लिए, बनो मैं देता हूँ पैसे, देते एक चाय दो ना, एक चाय। तुम्हारा कौन सा गाँव? बारामती। ये कैसा कहीं? ये YouTube चैनल का, हमारा मेरा YouTube चैनल, इसमें होता है तांबोलीचा उमदी गाँव। तुम्हारा नाम? सोएब। सोएब कलावंत। कलावंत, और ये उमदी गाँव है क्या? हाँ। ओके चलो ठीक है। हमारे यहाँ जो है ना ज्यादा उबलती है दिन भर, इसलिए थोड़ा सा अलग लगता है चाय। पित नहीं होता चाय से? पित भी नहीं, ये अलग है, पित नहीं होता, और दूध उबलने से ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमने तो हैदराबाद तो बना के दिए थे पिटली करके दिन भर, अच्छा नहीं होता, इसलिए देख के मैंने जो दिखा रहा है वो भी ये है पंडरपुर। यहाँ से कुछ तो 10 किलोमीटर बचा है, यहाँ पे हमने 6 नंबर जो टैंक है वो फुल करना है। एक्चुअल में हमारा जो दूरी अभी बचा है वो 100 किलोमीटर बचा है। फुल करा जी, फुल सका फुल कम ये करा जी, फुल करा जी, फुल से आ गया था कैसे का रेडी करने का लग गया जैसे जान रही है। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैंने अभी पेट्रोल भर के, क्योंकि मैं बीचोबीच पंडरपुर सिटी में हूँ, यहाँ मैंने मालूम किया था, लेकिन वो मंदिर जो है बंद है। या जो देख रहे हैं मेन मार्केट का एक जैसे मार्केट का एक चौक है, यहाँ से मेरा अभी लास्ट का डिस्टेंस बचा है 100, 110, 120 ऐसा कुछ बचा है। यहाँ तक तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था, जो मैं एकदम लो स्पीड से चल रहा हूँ, मेरा स्पीड जो बना हुआ था बीजापुर से, मैंने 40, 50, 60 की रेंज में मेरा स्पीड रखा था, तब जाके मैं सेफली ये जो छठा टाकी मैंने अभी भरा है, ये लास्ट होने वाला है टाकी, क्योंकि एक टाकी में 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा जाती है, ये मैंने महसूस किया है मेरे पूरे ट्रिप में। और मैं देखता हूँ आगे जाके इस ट्रिप का लास्ट ही ये व्लॉग होगा, ये शायद सेकंड लास्ट है, क्योंकि मेरे को लगा मैं पंडरपुर सिटी में एंटर हुआ हूँ तो मंदिर भी जा सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मंदिर बंद है यहाँ से अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से। तो इसके बाद मिलते हैं जब भी रोड पे 1 बजे जैसे खाना होगा।